अभी एल्विस यादव और ध्रुव राठी वाला एपिसोड, अरे वही जहां एक दूसरे पे वीडियो बनाए जा रहे थे और बताया जा रहा था कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही। उस एपिसोड के बाद अब ध्रुव भाई साहब पर एक मुसीबत और आन पड़ी। बीजेपी के एक नेता और भाजपा मुंबई के प्रवक्ता हैं सुरेश कर्मशी नखुआ, उन्होंने राठी भाई साहब पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है और उनसे 20 लाख रुपए का जुर्माना भी मांग रहे हैं। हुआ ये कि एल्विस यादव को रिप्लाई वाले वीडियो में, जो अभी कुछ दिनों पहले ही आई है, ध्रुव राठी ने भाजपा नेता को हिंसक और अपमानजनक ट्रोल कहा था, ऐसा बीजेपी प्रवक्ता सुरेश नखुना जी का इल्जाम है। साकेत कोर्ट जो दिल्ली में है, वहां की जिला जज गुंजन गुप्ता ने इंटरिम रिलीफ के लिए राठी पर नोटिस जारी करते हुए 6 अगस्त का डेट डिसाइड किया है सुनवाई के लिए। वैसे थोड़ा सा और बताते चले उनके लिए जिनको पता नहीं है, तो एल्विस भाई साहब जो जाने माने यूट्यूबर हैं और इन्फ्लुएंसर हैं, बिग बॉस विनर हैं, उन्होंने ध्रुव राठी के ऊपर 1 जून को एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था एक्सपोजिंग ध्रुव राठी। लगभग 45 मिनट के वीडियो में एल्विस ने ध्रुव पर एंटी इंडिया और ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था। फिर क्या था, ध्रुव राठी, खैर जो लोग इन भाई साहब को नहीं जानते उनके लिए ये भी एक कमाल के यूट्यूबर हैं और मिलियंस में इनके भी फॉलोअर हैं। जियोपॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री इन पे वीडियो बनाते हैं और भाजपा सरकार को लगातार घेरते हैं। इन्होंने एल्विस के वीडियो के जवाब में 7 जुलाई को अपनी यूट्यूब चैनल माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स एल्विस यादव के नाम से वीडियो रिलीज किया। इसी वीडियो को देखकर मिस्टर नखुआ ने अपनी आपत्ति जताई। फिर क्या, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। तो आपको कौन सही लगता है और कौन गलत, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे थे जिफी न्यूज और मैं हूं नील। धन्यवाद।